हम्पी banks of इन Tungabhadra. ऑन was बैंक ऑफ रिवर टुंगाबदारा इट Vijayanagara Empire. टी was chosen एम्पायर हम्पी वाज because एज its ऑफ इट्स लोकेशन हैं कि जो हम्पी है ये कर्नाटक के टुंगदारा दरिया के साहिल पे वाका है ये ताकतवर विजयनगरा सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। और इसे राजधानी इसलिए चुना गया क्योंकि इस जगह पे अच्छे-अच्छे प्लान वो कर सकते थे द एंपायर वाज फाउंडेड इन 1336 सी बाय हरिहरा एंड बुक्का टू ऑफ द फाइव संस ऑफ संगमा कहते हैं कि इस सल्तनत को बनाने वाले दो भाई थे एक का नाम था हरिहरा और दूसरे का नाम था बुक्का जिन्होंने इसे 1300 छत्तीस में बनाया और ये किसके बेटे थे ये संगमा के बेटे थे जिसके पांच बेटे थे और ये उन पांच बेटों में से दो थे कौन कौन हरिहरा और बुक्का और क्या बनाया विजयनगरा एम्पायर कृष्ण देव राया डायनास्टी दे हुन फ्रॉम 1509 टू 1530 सी वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगरा एम्पायर कहते हैं कि जो इस सल्तनत का मशहूर बादशाह था वो कौन था वो कृष्णा देवा राय था जिसने 1509 से लेकर 1530 तक रूल किया यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन टू डेकेब्स बिटवीन द फिफ्टींथ एंड सेंचुरीज सी द विजयनगर एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द साउथ कहते हैं कि पंद्रहवीं और सोलहवी सदी के बीच में जो विजयनगर एम्पायर थी ये सबसे ताकतवर सल्तनत मानी जाती थी कहाँ पे साउथ में यानी कि डक्कन के एरिया में सेवरल यूरोपियन ट्रेवलर्स सच एज डोमिंगो पीज एंड निकोलो द कॉन्टी हैव लेफ्ट विविड अकाउंट्स ऑफ वेल्थ एंड पावर ऑफ दिस एम्पायर कहते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन जो मुसाफिर थे जो राहगीर थे उनमें एक डोमिंगो पीज थे और दूसरे निकोलादा कोंटी था और उन्होंने वाजिया तौर पे यानि कि ये बयान किया है कि विजयनगर एम्पायर विजयनगर सल्तनत के पास कितनी दौलत और ताकत थी इस बात पे उन्होंने पूरे तरीके से वाजिया तौर पे ख्याल किया हम्पी वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन एंड स्पाइस ट्रेड कहते हैं कि जो हम्पी था ये एक मशहूर मरकज था किन चीजों में किस बिजनेस में स्पाइस में और कॉटन में यानी कि मसालों की बिजनेस में और सूती के बिजनेस में मुस्लिम्स, चेतीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स रेगुलरली विजिटेड इस मार्केट यानी कि कहते हैं हम्पी के बाजार में एक तो ताजर यानि कि मुस्लिम और चैतीज और यूरोपियन के एजेंट्स, यानी कि यूरोपियन के दलाल लोग सफर किया करते थे रेगुलरली वो आया करते थे इन बाजारों में रूंस ऑफ हम्पी शो इट्स वास्ट फोर्टिफिकेशन आज जो वहां पे खंडरात मिलते हैं ना उनसे पता चलता है कि हम्पी में कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंगे हुआ करती थी द पैलेसेस है स्पलेंडेड आर्कस एंड पिलर्ड हॉल स्पेसिस कहते हैं कि जो महल हुआ करते थे उन पे बड़े बड़े आर्कस लगा के हैं और उन पे बड़े बड़े गुंबद हैं और जो वहाँ पे हॉल है उनमें बहुत सारे पिलर्स हैं यानी कि सतून हैं और वो दूर दूर बनाए गए हैं क्योंकि उनपे मुजस्मों की तराशी की गई है इट ऑल्सो ब्यूटीफुल टेंपल्स और हम्पी में बहुत सारे खूबसूरत मंदिर पाए जाते हैं फाउंड है प्लेटफॉर्म पॉपुलरली कॉल्ड द महानमी दिबा। यानि माहिर आसार कदीमा जो है यानि कि जो आर्क्योलॉजिस्ट है उन्होंने वहां पे क्या पाया उन्होंने वहां पे एक चबूतरा पाया, कि जिसे महानमवी डिब्बा कहते हैं द महानवी फेस्टिवल और जो ये आसार कदीमा है उन्होंने इस बात से क्या पता लगाया उन्होंने इस बात से ये पता लगाया कि जो वहां पे बादशाह हुआ करता था और उसका खानदान हुआ करता था वो इस चबूतरे से डांस और म्यूजिक की अदाकारी को देखते थे किस दौरान महानवी का जब फेस्टिवल हुआ करता था महानवी के बारे में आपको पता है यानी कि यह वो त्योहार है जब दुर्गा ने जीत हासिल की थी और ये आखिरी दिन था जब दुर्गा ने किससे जीता था शैतान माही सासुरा से देवदासीज़ फीमेल टेम्पल डांसर्स परफॉर्म बिफोर द किंग्स एंड द पीपल यानी कि इस दिन किंग के सामने और उसकी फैमिली के सामने कौन डांस किया करते थे यानी कि वो और जो मंदिर की रक्षा किया करती थी वो बादशाहों के सामने नाचती थी और लोगों को भी अपना नाच दिखाती थी The fame of Hampi declined after the rulers of Vijayanagara were defeated by ए ग्रुप ऑफ द डकन सुल्तान इन द बैटल ऑफ तलिकोटा इन 1565 सिक्सटी सीई कहते हैं कि हम्पी ने अपनी वहदत अपनी महशूरियत कब खो दी कब इसका जवाल आया जब विजयनगर के रूलर्स को हुक्मरानों को हराया गया किसने इनको हराया डकन के एक ग्रो के सुल्तानों ने किस जंग में टेलीकोटा के जंग में जो कब हुआ पंद्रह में ट्रेड कंटिन्यूड बट टाउन लॉस इज इम्पोर्टेंस तुजारत तो चलती रही लेकिन कस्बे ने अपनी वहदत को अपनी मशहूरीत को खो दिया द कर्नाटका गवर्नमेंट एनवली ऑर्गेनाइज विजयनगर फेस्टिवल टू रिमाइंड अस ऑफ दाइगॉन ग्लोरी ऑफ दिस एम्पायर कहते हैं कि जो आज की कर्नाटका सरकार है वो हर साल विजयनगरा फेस्टिवल को बनाती है ताकि लोगों को इसकी वहदत हमेशा याद रहे लोग इसकी वहदत को इसकी मशहूरियत को भूल ना पाए ताकि इसकी शान हमेशा बरकरार रहे हम्पी हैज बीन डिजाइनड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं कि जो हम्पी है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया है इट हैज बीन सेड अबाउट हम्पी इफ ड्रीम्स वी आर मेड आउट ऑफ स्टोन इट वुड बी हम्पी हम्पी इज फुल ऑफ सरप्राइज लाइक द किंग्स बैलेंस वायर किंग्स इज वे हेड अगेंस्ट ग्रेन गोल्ड और मनी विच वाज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू दे पुअर यानी कि हम्पी के बारे में कहा गया है कि अगर पत्थर से ख्वाब बनाए जाते तो ये हम्पी होता हम्पी बादशाहों की तरह हैरतों से बड़ा हुआ है जहां बादशाहों को अनाज सोने या पैसे के मुकाबले में तोला जाता था जो उस वक्त गरीबों में तकसीम किया जाता था यानी कि बादशाहों को तोला जाता था फिर उनका जितना भी वजन होता था चाहे पैसों से चाहे अनाज से फिर उन पैसों को फिर उस अनाज को गरीब लोगों में बांट दिया जाता था डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था ट्रैकिंग फैक्ट इट इज सेबाउट दम्पी दैट नो सीमेंट और मोटर वॉज यूज इन दंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स कहते हैं कि यह कहा जाता है कि हम्पी के किलों में न तो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया न तो मोर्टार का इस्तेमाल किया गया किन में हम्पी के किलों की तामीर में तो आप सोचो कि इतने मजबूत किले इतने ऊंची दीवारें फिर भी उनमें सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया तो टेक्नोलॉजी किस किस्म की थी Masoli Patnam. In the 14th century, the port town of Masoli Patnam was founded by Arab traders. It is located on the Coromandel coast in Andhra Pradesh. Due to the trading activities of the Dutch, French, and the English, it became famous in 17th century. Due to this, it became the most important port. ऑफ द आंध्र प्रदेश कोस्ट कहते हैं कि ये आंध्र प्रदेश के कोरमंडल कोस्ट पे वाका है यानि फ्रेंच और इंग्लिश की तुजारत की वजह से ये बहुत ही मशहूर बंदरगाह बनी कब सतारवी सदी ईसवी में यानि कि इनकी तुजारत की वजह से ये आंध्र प्रदेश की एक अहम और मशहूर बंदरगाह बन गई डू यू द टाउन ऑफ मसोली पट्टनमो नोन एज मछलीपट्टम क्या आपको पता है कि जो कस्बा या शहर था मसोली पटनम का उसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता था दिस स्पोर्टी इज ऑल्सो नोन फॉर कलमकारी टेक्सटाइल एंड प्रिंटिंग क्रिएटेड बाई यूजिंग वेजिटेबल डाइज कहते हैं कि यह जो बंदरगाह थी इसको किस चीज से जाना जाता था यानी कि वहां की कलमकारी की वजह से और प्रिंटिंग की वजह से किस चीज की वेजिटेबल डाइज की वो वहां पे प्रिंटिंग करते थे कलमकारी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं द कलमकारी टेक्निक डिलइव इज नेम फ्राम दैलशियन वर्ल कलम और पेन लाइक टूल यूज टू ड्रॉ आउट लाइन ऑन द्लोथ एंड कारी मीन वर्क कहते हैं कि कलमकारी एक टेक्निक है जिसने अपना नाम परशिया लफ से हासिल किया है यानि कि परशिया में कलम किसे कहते हैं पेन को जिसे हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था जिस पेन से जिस पेंसिल से यानी कि लाइंस को ड्रा किया जाता था लकीरों को खींचा जाता था पे कपडो पे और कारी मीनस वर्क यानी कि ये वही काम करते थे इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा कलमकारी यानी कि कलम से काम करना कलमकारी कलम, कलम यानी अब इसका यही मतलब निकलता है यानी कि कलम से जो काम किया जाता है उसे कलमकारी कहते, है। कहते हैं ड्यूरिंग द सेवनटीन सेंचुरी सी द वेस्टर्न ट्रेडर्स वेल अट्रैक्टेड बाय दिस आर्ट विच ब्रॉट फेबर वेल्थ टू इंडिया कहते हैं की सतारवी सदी में जो यहाँ पे मगरब के ताजर आए उनमें ये काम बहुत ही फैल गया उन्हें ये काम बहुत ही पसंद आ गया और इस काम की वजह से हिंदुस्तान में बहुत सारी दौलत ऑफ़ गोलकंडा कि मसोली पट्टनम था ये एक अहम बंदरगाह थी किसकी गोलकंडा के सल्तनत की रॉयल ऑर्डर फ्रॉम द कुतुब शाही सुल्तान परमिट द डेबल ट्रेडिंग पोस्ट दियर यानी कि यह एक रॉयल आर्डर था यह एक फरमान था किसकी तरफ से कुतुब शाही की तरफ से किनको वालों को यानी कि उन्हें इजाजत दी गई उन्हें यह कहा गया कि वो एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाए पे गोलकुंडो में इट वाज अ प्रोडक्शन सेंटर ऑफ फाइन चिंतज विच वाज मच इन डिमांड इन द मार्केट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं कि यह एक प्रोडक्शन सेंटर था इसका फाइन चिंत का यानी कि कॉटन का एक कपडा होता है जिस पे बहुत सारे नक्शे चढ़ाए जाते हैं इस चिंतज की बहुत ही डिमांड थी पे? साउथ ईस्ट एशिया में बम्बे कलकत्ता एंड मद्रास बिकम ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ द यूरोपियन मसोली पटनम लॉस इट इज इम्पोर्टेंस कहते हैं कि जब मेट्रोपोलिटन सिटीज लाइक बॉम्बे कलकत्ता मद्रास ये इंपॉर्टेंट हो गए लोग वहीं की तरफ जाने लगे यानी कि अर्बनाइजेशन इन्हीं शहरों की तरफ होने लगी तो मसोली पटनम ने अपनी इम्पोर्टेंस को खो दिया यानि कि अपनी अहमियत को खो दिया मसोली पटनम डिजाइन ऑफ कलमकारी और पर्शियन इन करेक्टर विच इंटिकेट एंड डेलिकेट फॉर्म्स। यानी कि कहते हैं कि जो कलमकारी का डिजाइन है मसोली पटनम का उन्होंने वो कहा से हासिल किया पर्शियन से यानी कि जो एक डिलीकेट फॉर्म में है यानी कि जो बहुत ही पेचीदा और नाजुक चीज मानी जाती है ट्रेडिशनल ब्लॉक्स प्रिंट्स वी आर लार्जली यूजियन मोटिव ट्रीज फ्लावर्स क्रीपर्स एंड लीफ डिजाइनस यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो चिंतज है ना यानी कि जो कलमकारी काम है वो बहुत सारे नक्शों में पाया जाता है जैसे कि फ्लावर्स में क्रीपर्स में लीप डिजाइनर्स में दरख्तों में बेड कवर्स कटेन्स एंड अदर गारमेंट्स यानी कि आपने देखा ही होगा जब वो फैले वाले आते हैं ना या हम जब शॉपिंग करते हैं तो बेड कवर्स जब हम लेते हैं ना तो उन पे वो नक्शे बनाए होते हैं के पत्तों के नक्शे होते हैं दड़ख्तों के नक्शे होते हैं क्रीपर्स के नक्शे होते हैं या फूलों के नक्शे होते हैं तो उसी को कहते हैं कलमकारी वर्क उसी को कहते हैं चिंतज यानी कि जब हम पलंग के कवर्स लेते हैं उन पे भी होता है मतलब तो शानगंज होना शानगंज वर्य बेड कवर या गार्मेंट जो हम लेते हैं यानी कि लिबास के बाद बच्चों हम पढ़ते हैं सूरत सूरत हैज मेजर पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि सूरत जो है ये मगरब के साहिल पे वाका है कहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में इट इज़ लोकेटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर तपी इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ गुजरात यानी कि अगर हम आज के दौर की बात करेंगे तो ये रियासत गुजरात में मौजूद है किस साहिल पे लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर तपी ड्यूरिंग द रूल ऑफ़ दगल दीडिंग सिटीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कहते हैं कि मगलिया हुकूमत में यह एक मशहूर बंदरगाह हुआ करती थी किसके लिए तजारत के लिए और बिजनेस के लिए वैन बंगाल एंड गुजरात वे कैप्चर्ड बाई दगल कहते हैं कि जब बंगाल और गुजरात पे मोगलिया दौर हुकूमत ने अपना कब्ज़ा जमाया जब उन्होंने उसे हासिल किया तो सूरत इस तरह से इनके कंट्रोल में आ गई कब पंद्रह सौ तिहत्तर में देर वेर मैनी रूलर्स अदर देन रूलर्स ऑफ मेडिवल पीरियड हु टू कंट्रोल सूरत कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे हुक्मरान थे किस दौर में मेडिवल पीरियड में वस्ती दौर में जो सूरत को अपने हाथों में लेना चाहते थे कंट्रोल करना चाहते थे कुतुब्दीन ऐबक ए मोहम्मद बिन तुगलुक वंस रेडिडि कहते हैं कि एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन तुगलुक ने इस पे हमला किया था अकबर कैप्चर सिटी इन 1573 कहते हैं कि अकबर द ग्रेट ने इस सिटी को कब अपने कब्जे में लिया 1573 में लेटर शिवाजी इन द लेट 17th सेंचुरी कहते हैं कि बाद में शिवाजी ने इस पे हमला बोल दिया और इस सिटी को दो बार लूटा कब सतारवी सदी में द पुर्तजियाज फिलीट विचुअली कंट्रोल द सूरत ट्रेड बट द इंग्लिश एंड द डच आल्सो सेट ऑफ फैक्ट्रीज एट सूरत कहते हैं कि जो पुर्तगाल के लोग थे पुर्तगाल के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भी यहाँ पे अपना बेडा जमाया और इस तरह से सूरत के ट्रेड पे अपना कंट्रोल किया अपना कब्जा जमाया साथ में इंग्लिश ने भी और डच वालों ने भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोली कहाँ पे सूरत में द महाजन एंड सेठ ऑफ गुजरात है कि जो महाजन और सेठस थे गुजरात के उनके बहुत सारे बैंकिंग हाउसेज थे कहां पे सूरत में आर हंडीज कैश नोट्स वी आर ऑल्सो ऑनर्ड बाय इंडिजीनियस बैंकर्स ऑफ अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान एंड इजिप्ट यानि की कहता है की उनके नकद नोटों को जिन्हें वो हंडीज कहते थे ईरान और समेत दीगर मालिक के मुकामी सहाकारों मुका एजाज से नवाजा टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत पर्टिकुलरली देर गोल्ड लेस बॉर्डर जरी वायरिंग ग्रेट डिमांड इन एशिया अफ्रीका एंड यूरोप यानी कि कहते हैं कि सूरत का जो कपड़ा था उसके बॉर्डर पे जो गोल लेस हुआ करती थी ना उसकी वजह से वो पूरे एशिया में मशहूर था एशिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीका में भी और यूरोप में भी अब जबकि कॉटन की हाथ की बनाई हुई चीजें यहाँ पे बनती थी सिलिक ब्रोकेल यहाँ पे बनता था यानी कि सोने चांदी का बना हुआ या यहाँ पे जो नक्श निकारी होती थी एम्ब्रॉइडी हुआ करती थी उस वजह से सूरत बहुत ही फेमस था बहुत ही मशहूर था सूरत बिकम फेमस एज ए डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर तो इस चीज की वजह से यानी कि डायमंड कटिंग की वजह से और पॉलिश की वजह से सूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट मरकज बन गया इन द फिफ्टीन सेंचुरी द पुर्तुजियाज टू सूरत कहते हैं कि पंद्रहवीं सदी में पुर्तुजियाज पुर्तगाल के लोग कहाँ आए सूरत आए किस लिए तुझारत के लिए

तो वो अब पुर्तजियाज वालों को ललकारने लगे चैलेंज देने लगे तो इस तरह से सोलह सो बारह में उन्होंने इनको हराया किन कोर्तुजिया रॉयल फरमान टू एस्टेब्लिश दिया, फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत तो इस तरह से सोलह सो तेरह में इन्हें मुगलिया सल्तनत की ओर से ऑर्डर मिला इजाजत मिली कि वो पहली फैक्ट्री सूरत में बना सकते हैं नाउ सूरत बिकेम द सीट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इस तरह से सूरत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या बन गई अब प्रेसिडेंसी बन गई एक सूबा बन गया एक अहाता बन गया लेटर द इम्पोर्टेंस ऑफ सूरत स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर 1668 सी ई द ब्रिटिश सेट ऑफ दर सेकेंड फैक्ट्री बम्बई कहते हैं कि कुछ डेकेड्स के बाद सूरत ने अपनी इम्पोर्टेंस को खो दिया अपनी वहदत को खो दिया जब उन्होंने दूसरी फैक्ट्री का क्या अमल में लाया कहां पे बम्बई में कब में। डिक्लाइन ऑफ द मोगल एम्पायर एंड द राइज ऑफ द बम्बे एज ए मेजर पोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर सूरत डिकलाइनड इन इंपॉर्टेंस यानी कि कहते हैं कि जब मगलिया दौर का जवाल आ गया तो इस तरह से बंबई का अरूज हुआ और इस तरह से वो मशहूर बंदरगाह में तब्दील हुई सूरत इज इवन नाउ नून फॉर डायमंड कटिंग आज के दौर में भी सूरत को डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री में महारत हासिल है इट्स आल्सो ए सेंटर ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ गुजरात और आज भी इसे गुजरात की हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री करार दिया जाता है study, churches, in built, France, के स्टडी चर्चेस नॉट ओनली इन इंडिया वे टेंपल्स एंड मोनोमेंट्स बिल्ड बट इन द सेम टाइम इन फ्रांस चर्चेस आल्सो स्टार्टेड टू बिल्ड कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में मंदिरों और यादगारों की तहमील की गई बल्कि गिरजाघरों की फ्रांस में भी शुरू की गई टॉलर एंड लाइटर बिल्डिंग्स कहते हैं कि जो इस दौर के ये गिरजाघर बनाए गए ये बहुत ही ऊंचे हुआ करते थे किनसे अर्लियर पुरानी बिल्डिंग्स से दिस आर्किटेक्चर स्टाइल इज नोन एज गोथिक कहते हैं कि इस कस्म के नए आर्किटेक्चर को फन तमीर को गोथिक स्टाइल कहते हैं क्योंकि इसमें किस चीज की फर्क पाई जाती है आर्चिस की यानी कि मेहराब की यूज ऑफ स्कैन ग्लास ऑफ एन पेंटेड विद सीन ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटरसेस कहते हैं कि इसमें रंगदार शीशों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें कैसी तस्वीर को उतारा गया है उन तस्वीर को उन रंगों को उतारा गया है जो बाइबल से ली गई है यानी कि बाइबल एक मुकदस बुक है क्रिस्ट की कि की, और इसमें तिरानी अंदाज में लहरते हुए अंदाज में दीवारों की पुश्ताबंदी भी की गई है टॉप एंड बेल टावर्स वे आल्सो ऑल्सो टू द चर्च और इनमें वो चक्रदार यानी कि वो प्लस वाले निशान भी बनाए गए हैं और इनमें बेल टावर भी फिक्स किए गए हैं पेस्टनून नून एग्जाम्पल ऑफ गोथिक स्टाइल चर्च वॉज नॉर्थ डैम चर्च इन पेरिस कहते हैं कि जो इस कस्म के टेम्पल की यानी कि गोथिक स्टाइल टेम्पल की एग्जाम्पल है मिसाल है वो पेरिस में पाई जाती है यानी कि पेरिस में वो कौन सा गिरजाघर है वो है नॉर्थ डैम चर्च इट वॉज कंस्ट्रक्टेडर इन दिन देंचुरीज कहते हैं कि इस गिरजाघर को कब बनाया गया इसे बहुत सारी में बनाया गया यानी कि ट्वेल्थ से लेकर थर्टीन सेंचुरी तक इसके बाद दूसरा क्या वास्को वॉस्को दिगामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। इन दिफ्टीन सेंचुरी ऑफ सी रूट यानी कि कहते हैं यूरोपी मुलाहु ने समुद्री रास्ते की बेमिसाल तलाश शुरू कर दी थी कि सदी में पंद्रहवीं सदी में ऑल ऑफ देम हैड द डिज़ायर टू फाइंड वेज ऑफ रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टीनेंट एंड ऑपटेनिंग सपाइस इन सब की ये चाहत थी इन सब का ये मकसद था कि वो किसी न किसी तरीके से बर सगैर हिंदुस्तान के रास्ते को फाइंड करे तलाश करे ताकि वो वहां से सप्लाईज ला सके मसाले ला सके इन 1498 सी पुर्तगाल्स नेविगेटर नेमड़ वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट अ कोस्टल सिटी लोकेटेड द साउथर् मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट दिस वे दे टूक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया फ्रॉम पुर्तगाल एमार्ट द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट लिंकिंग इंडिया एंड यूरोप यानी कि कहता है की चौदह बलसगीर पाक यूरोपी के बरसगीर जनूबी सिरे पर वाका साहली शहर कैलिकट पहुंचा इस तरह इन्हें पुर्तगाल से हिंदुस्तान पहुंचने में कई महीने लगे और हिंदुस्तान और यूरोप को मिलाने वाले समंदरी रास्ते की इस तरह से दलियाफत हुई डिस्कवरी हुई ही लॉस टू ऑफ हिज फोर शिप्स एंड ऑफ द 170 मेन एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी ओनली 54 फोर कहते हैं कि इसने जब अपने सफर का आगाज किया तो इसने अपने चार जहाज़ों में से दो जहाज़ों को खो दिया और अपने 170 बंदों को खो दिया सिर्फ चौवन जिंदा रहे यानी कि सिर्फ फिफ्टी फोर फॉलोर्स इसके बच निकले सून द बिल्ट सेवरल पुर्तियाज इन द दाउदर्न पेनिनसुला एंड द कहते हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी फिर तस्वीर कारी को स्टार्ट किया अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया और इस तरह से इन्होंने साउदर्न इंडिया में बहुत सारे एरियाज को अपने कब्जे में लिया यानी कि किस साइड से डक्कन साइड से बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात एम मुगल एम्पायर शाहजहां ट्राई टू एक्सपेल देम बट दे कुड नॉट सक्सेड कहते हैं कि जो गुजरात का रूलर था बहादुर शाह और जो शाहजहां थे उन्होंने इनको भगाने की कोशिश की हटाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए लेटर वास्को गामा वॉज वास फॉलोड बाई इंग्लिश कहते हैं कि बहुत ही जल्दी फिर वास्को गामा को किसने फॉलो किया इंग्लिश वालों ने डच वालों ने फ्रेंच वालों ने यानी कि जो मुल्ला थे ना कहाँ के इंग्लिस्तान के डच के उन्होंने बाद में इसके तर्ज अमल को अपनाया ऑन अपनायान दजम्पन दर्थ वाज राउंड एन इटलियन सेलर क्रिस्टाफर कोलम्बस डिस वेस्टवर्ड्स एक्रॉस द एटलान्ट ओशन टू फाइंड अ रूथ टू इंडिया यानी कि इस बात का जब यकीन हो गया इस मफरूज़े पर कि जमीन गोल है एक अतलवी मुला क्रिस्टोटॉफर कोलंबस ने बहरे ओकियानूस के पार मगरब की तरफ सफर करने का फैसला किया ताकि हिंदुस्तान का रास्ता तलाश किया जा सके पुर्तगाल कहते हैं कि चौदह सौ बयानवे ईस्वी में वो वेस्ट इंडीज में उतरे इसके बाद स्पेन इस और पुर्तगाल के मुल्ला और फाते भी थे यानी कि फतेह हासिल करने वाले भी इसके साथ थे जी दर्ज करने वाले भी इसके साथ थे तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने आपका चैप्टर नंबर सेवन भी कंप्लीट किया मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा अगर आपका कहीं पे सवाल है या आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए वहां पे कमेंट कीजिए वहां पे अपनी राय दीजिए अगर कमेंट नहीं तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए और एक बात तीन दिन के लिए कोई भी लेक्चर नहीं होगा जब तक आप इसके सवाल अपनी कॉपी पे साफ साफ नहीं उतारोगे बाकी वसलाम असलामेकुम वरम्त लबरक